टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सबसे हाई वोल्टेज मैचों में से एक यानी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रविवार 9 जून को रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें अब तक इस टूर्नामेंट में एक एक मैच खेल चुकी है। एक ओर जहां टीम इंडिया अपने पहले मुकाबले में आयरलैंड को हराकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपने पहले मुकाबले में यूएस जैसी छोटी टीम से हार कर आ रहा है। हालांकि पिछले मैच से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब भी कोई मुकाबला होता है तो रोमांच काफी अधिक होता है, जिसके चलते टीमों पर प्रेशर भी रहता है। आइए इस वीडियो में भारत पाकिस्तान मुकाबले की पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम क्या हो सकती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब अगर सबसे पहले नसाऊ क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहाँ ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया गया है। ड्रॉप इन पिच का मतलब ये है दोस्तों कि यह पिच कहीं और तैयार होती है और फिर स्टेडियम में लगा दी जाती है। आपको बता दें कि यहाँ की पिच के लिए ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड की मिट्टी का यूज किया गया है। जाहिर है ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर काफी बाउंस देखने को मिलता है, ऐसे में इसकी पूरी उम्मीद है कि नसाऊ क्रिकेट स्टेडियम में भी आपको अच्छा बाउंस देखने को मिले। न्यूयॉर्क में हुए पिछले कुछ मैचों में यह देखने को भी मिला है कि बल्लेबाज यहां संघर्ष करते दिखे हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर यहां रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। चलिए अब दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले भारत के लिए आपको एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। तीसरे और चौथे नंबर पर क्रमशः ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव को एक्शन में देखा जा सकता है। आगे ऑलराउंडर की भूमिका में आपको शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या और रविंद्र जडेजा एक बार फिर देखने को मिलेंगे। टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों पर होगी। वहीं पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो उनकी प्लेइंग 11 में आपको एक बार फिर मोहम्मद रिजवान, कैप्टन बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद आमिर जैसे क्रिकेटर एक्शन में दिखेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं किन खिलाड़ियों को चुनकर आप इस मुकाबले के लिए एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप विकेटकीपर के स्लॉट में मोहम्मद रिजवान और ऋषभ पंत दोनों को आजमा सकते हैं। आगे बैटर्स के लिए आप रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाबर आजम को अपनी फैंटेसी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। ऑलराउंडर के विकल्प में आप हार्दिक पांड्या, शादाब खान और इफ्तिकार अहमद को शामिल कर सकते हैं। अंत में गेंदबाजी के स्लॉट में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद आमिर को रखा जा सकता है। कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए पहले बेस्ट विकल्प क्रमशः विराट कोहली और अर्शदीप सिंह है। जाहिर है विराट का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ काफी अच्छा रहा है और ऐसे में एक बार फिर इसकी पूरी उम्मीद है कि विराट पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। वहीं अर्शदीप का भी हालिया फॉर्म काफी बेहतर रहा है, ऐसे में वे शुरुआती विकेट झटक के आपको ढेर सारे पॉइंट्स दिला सकते हैं। विराट और अर्शदीप के अलावा आप रोहित शर्मा और बाबर आजम को भी कप्तान और उपकप्तान के लिए आजमा सकते हैं। रोहित और बाबर की बात करें तो दोनों ही अपनी टीमों के कप्तान हैं और इन दोनों से इस हाई वोल्टेज मुकाबले में एक बड़ी पारी की उम्मीद है। तो ये थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले के लिए एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम। ऐसे अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।